देश के नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 8 इन इंडिया की पूरी टीम की तरफ से आप सभी का डायमंड स्टेट समिट में बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज 8 इन इंडिया की बेहद खास पेशकश है न्यूज 8 इन इंडिया डायमंड स्टेट समिट। पर क्यों खास है न्यूज 8 इन इंडिया डायमंड स्टेट समिट? आखिर क्या कुछ खास इस समिट में आज होने वाला है? क्या विजन है समिट के पीछे का? और इतना बड़ा मंच, सबसे बड़ा मंथन आज करोड़ों दर्शकों के सामने क्यों है? न्यूज 8 इन इंडिया और हिंदी डिजिटल के एडिटर ज्योति कमल आज आपको पूरी डिटेल बताएंगे कि आखिर क्यों सबसे बड़ा मंथन, क्यों सबसे बड़ा मंच आज आपके सामने सजा है। जोरदार तालियों से आप मिस्टर ज्योति कमल का स्वागत करें। थैंक यू सबीना। नमस्ते। देश के नंबर वन न्यूज चैनल न्यूज 8 इन इंडिया की इस खास पेशकश न्यूज 8 इन इंडिया डायमंड स्टेट समिट में आप सभी का स्वागत है। न्यूज 8 इन इंडिया डायमंड स्टेट समिट एक पहल है देश के राज्यों द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में किए जा रहे विकास कार्यों को जानने और समझने की। ऐसे समय में जब देश दुनिया भर में एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है, तब यह जरूरी हो जाता है कि हर राज्य देश की तरक्की में अपनी क्षमता से ज्यादा योगदान करे। तभी तो मिशन 2047 कामयाब हो सकेगा, तभी तो भारत विकसित भारत बनेगा। न्यूज 8 इन इंडिया डायमंड स्टेट समिट राज्य सरकारों के उन प्रयासों को सबके सामने लाने की कोशिश है जिसके जरिए हमारा देश प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है। राज्य आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। हमारा प्रयास है कि राज्यों को न्यूज 8 इन इंडिया के मंच पर लाया जाए और बेहतर भविष्य के लिए उनकी योजनाओं और रोडमैप पर सार्थक चर्चा की जाए। इसी कड़ी में न्यूज 8 इन इंडिया सबसे पहले पहुंचा है हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश यानी एक ऐसा राज्य जो विकास और संस्कृति का दूसरा नाम है। तो आइए शुरू करते हैं न्यूज 8 इन इंडिया डायमंड स्टेट समिट मध्य प्रदेश। भारत का दिल मध्य प्रदेश, देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य। यहाँ इतिहास, संस्कृति और परंपरा का अनूठा संगम है। यहाँ सदियों की विरासत और विकास की धारा साथ साथ बहती है। महाकाल की नगरी, बाघों और चीतों का घर। यहाँ का इंदौर है देश का सबसे स्वच्छ शहर। प्राकृतिक सुंदरता और खनिज से भरपूर इस राज्य में